Hey, hello. So today we are preparing simple vegetable pulao. Here we have got some small pieces of potatoes, some sliced onions, some sliced mushroom, a couple of like 3-4 very finely diced and chopped paneer pieces, some fresh green peas, some garlic pods, and this is our soaked rice. सो आज मैं बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें हम एक प्रेशर कुकर में ये सारी की सारी हमारी वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते करेंगे और फिर थोड़ा सा मसाला जस्ट अ पिंच ऑफ इट और उसके ऊपर हम ये राइस मिक्स करके वी विल जस्ट पुट दिस ऑन प्रेशर कुक टू प्रिपेयर अ वेरी नाइस वेजिटेबल पुलाव. Right? Are you all ready? Okay, then let's go. So, ये हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया. इसमें हम we will use 2 spoons of देशी घी. वैसे आप रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट चूंकि थोड़ा सा पुलाव एक अच्छी ट्रेडिशन, तो इसलिए आपको उसे अच्छा बनाना हो तो आप थोड़ा सा घी का यूज़ करिए. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस. उसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ बहुत बेहतरीन खड़े मसाले हैं, जिसमें से एक ये है हमारी जावित्री जिसे हम मेस कहते हैं, एक तेज पत्ता जिसे बेलीफ कहा जाता है, एक सिनेमन, दालचीनी, 2 छोटी इलायची फ्लेवरिंग के लिए, कुछ ज़ीरा, और ये देखिए घी हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है. एक मेस, एक तेज पत्ता, एक इलायची, कुछ ज़ीरा और काले मिर्च, और 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची. ये खड़े मसाले हमने डाल दिए इतने से. जैसे ही ये खड़े मसाले हो जाए हमें इसमें गार्लिक डालना है. सबसे पहले ये गार्लिक डाल दिया हमने. जैसे ही हल्का सा गार्लिक रेडिश ब्राउन हो उसके पहले हमें इसमें डालनी है थोड़ी सी, एक छोटा स्पून हींग. आपको बहुत क्विक काम करना पड़ेगा बिकॉज देसी घी का टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो हमें उसे बहुत क्विकली मेंटेन करना होगा. सबसे पहले लाइक ऑलवेज हमारे ओनियंस, जिन्हें हमने स्लाइस करके रखा हुआ है, जैसे ही हमारे ओनियंस लाइट पिंक से ब्राउन की तरफ होने वाले होंगे, पूरे ब्राउन नहीं करना है, वैसे ही हम इसमें सबसे पहले डालेंगे पोटैटोस, क्योंकि पोटैटोस सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं. आप देख सकते हैं कितने छोटे से पोटैटोज़ को हमने कितने छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है. पोटैटोज़ को हम सबसे पहले डालेंगे, जैसे ही ओनियंस हो जाएंगे हम पोटैटोज़ डालेंगे. एज यू कैन सी आवर ओनियंस हैव टर्न्ड पिंक एंड एज इट इज अबाउट टू गेट गोल्डन ब्राउन वी विल पुट आवर पोटैटोज़ इनटू दिस. पोटैटो सबसे पहले डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोटैटो को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है. अच्छे से हमने इसे ऑयल में कोट कर देना है. ये कभी भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में, बैचलर्स स्पेशली मेल्स अकेले हैं घर में कुछ और बनाने के लिए नहीं, तो सिर्फ वेजिटेबल्स को सौते करें. कोई भी इसमें से एक वेजिटेबल अगर आपके पास कम हो, मैं आज मशरूम पुलाव बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने मशरूम की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी सी ली है, बट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो सिर्फ ओनियन और टमाटो के साथ भी ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगता है. जी
हाय, स्वागत है आपका। ये देखिए पोटैटोज हमारे जैसे ही हो गए हैं, थोड़े से कुक हो गए हैं। बस अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारा टाइम आ गया है कि हम इसमें और वेजिटेबल्स मिलाएं। दिस इज़ नाउ टाइम टू ऐड आवर मशरूम्स। हाँ, ये देखिए हमने इसमें मशरूम्स डाल दिए हैं और मशरूम हमारे धीमे धीमे सौते हो रहे हैं। बस पनीर, चूँकि हमारा बहुत कम टाइम लेता है कुक होने में, और मटर भी हमारी बहुत कम टाइम लेती है कुक होने में, तो ये हमारी ग्रीन पीस और ये पनीर हमारा रेडी है इसमें जाने के लिए। बस जैसे ही हमें बस सिर्फ वेट करना है, वन मोर मिनट, एक मिनट का समय चाहिए। ये सारी वेजिटेबल्स एक्चुअली आपको पकानी नहीं है, ये सारी वेजिटेबल्स आपको सिर्फ 60% कुक करनी है, क्योंकि हमने इसमें राइस डाल करके ऑलरेडी एक प्रेशर लगाना है, तो वो साथ साथ वेजिटेबल्स के चावल कुक हो जाएगा। बस एक और मिनट की देर और ये हमारी पीस, ग्रीन पीस इसके अंदर हम डाल देते हैं। वाह, और ये हमारे कुछ ब्यूटीफुल पनीर के पीसेस भी। आप चाहें तो दो चार पांच पीस पनीर के रोक सकते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। मटर के भी आप चाहें तो दो चार पीस रख सकते हैं कि जिससे देखने में थोड़ा पुलाव हमारा ब्यूटीफुल और अच्छा लगे। बस इससे पहले हमारे मटर का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल कुकिंग और घर की कुकिंग में बस एक यही फर्क आता है। इसमें हम हाफ आई स्पून रेड चिली पाउडर, बिल्कुल एक छोटा पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हम ज़्यादा हल्दी इसमें इसलिए नहीं डाल रहे हैं और कोई मसाला इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ऑलरेडी हमें थोड़ा सा कुटा मिर्च, और ये आपका सब्जी मसाला बिल्कुल एक टीस्पून। आपको अगर नाप का अंदाज़ा नहीं तो आप बिल्कुल एक स्पून का यूज़ करें, क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ, मुझे पता है, तो मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ। और इसे हमें क्विक मिक्स देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। सॉल्ट अलबत्ता आपको वेजिटेबल्स के अलावा थोड़ा सा राइस के हिसाब से भी। देखिए अब देखिए इसमें कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, ये देखिए ग्रीन मटर, मशरूम्स, ऑनियंस, टमेटोज, चाहे तो आप टमेटोज भी डाल सकते हैं, लेकिन टमेटोज से थोड़ा सा राइस हमारा स्टिकी हो जाएगा, इसलिए हम टमेटोज का यूज नहीं करते। बस नाउ इज द टाइम। हमने बिल्कुल एक पिंच, आधी पिंच समझ लीजिए, आधी पिंच इसमें कलर डाला हुआ है कि जिससे ये देखने में थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। आधी पिंच मतलब आधी चुटकी, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, कोई भी आपके पास हो वो कलर यूज कर सकते हैं। नहीं भी हो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें सिर्फ शो के लिए हमने इसमें कलर डाल दिया है कि वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ये हमें इसमें राइस डालना है, हम राइस के ही बर्तन को वाटर के लिए यूज करेंगे। पूरा राइस का बर्तन जिसमें हमारा राइस सोक हो रहा था, ये पूरा वाटर इसमें डालना है। जितना पानी आप राइस को कुक करने के लिए डालते हैं उतना ही पानी हमें इसमें डालना है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि राइस हमारा काफी देर से भीग रहा है और वो काफी डेलिकेट हो चुका है, तो बहुत ज्यादा उसे घुमाना और नचाना नहीं है, नहीं तो चावल के दाने टूट सकते हैं। ये अब इसकी खूबसूरती देखने लायक है। ये हमारा पुलाव रेडी है। चावल डालने के लिए आप जितना भी पानी कुक करते हैं तकरीबन इसमें हमें उतना ही पानी डालना है। बेसिक आपको एक रूल बता दूं कि जो चावल की सतह होती है उससे एक अंगुल, ये जो आपकी फिंगर की ये वाली लकीर होती है, इतना पानी रखा जाता है चावल से, ये एक बारिश पानी ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए चेक किया, ये देखिए मेरी सिर्फ उतनी ही उंगली गीली है जितना इसमें पानी है, देखा आपने। ऑफ कोर्स आपकी उंगलियां क्लीन होनी चाहिए, गंदी फिंगर्स खाने में कभी यूज नहीं करी जाती, ठीक। बस जैसे ही इस पे एक बॉयल आ जाता है हमें इससे कवर करके इस पे सीटी बजा देनी है और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ये देखिए इस पे बबल होना, बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है हमें इसे कवर कर देना है और
छोड़ देना है, एक सीटी मैक्सिमम, उसके बाद 5 मिनट्स धीमी आंच पर। ये देखिए ये बबल होने लगा हमारा राइस, बस दिस इज द टाइम कि हमें इसे कवर कर देना है। नाउ इज द टाइम, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारे पुलाव का क्या है। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटी, राइट। हम इसे जल्दी से गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी कोरिएंडर से, और फिर हम इसे निकाल करके एक अच्छे से बोल में सर्व करते हैं, गार्निश करते हैं। ये हमारा ब्यूटीफुल वंडरफुल मशरूम मटर पनीर पुलाव इज रेडी। जस्ट ग्रैब अ प्लेट एंड एंजॉय।